गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं हिंदी में, रक्त की कहानी, माँ की जुबानी। ठीक है, रक्त क्या होता है बेटा? रक्त होता है खून को, हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। ठीक है ना, तो रक्त के बारे में जो है माँ जो क्या क्या बताती है, वो सारी चीज़ें आज इस चैप्टर के अंदर हम ध्यान से देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में शरीर में रक्त की आवश्यकता, उसके महत्व एवं कार्य प्रणाली का वर्णन है। इसमें क्या है, रक्त की क्या क्या ज़रूरत है, उसके महत्व, उसका क्या महत्व है, और उसकी कार्य प्रणाली किस तरीके से शरीर में हमारे रक्त बनता है और किस तरीके से शरीर के सभी भागों में जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पाठ में फेफड़ों, धमनियों एवं हृदय के कार्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जो इसमें फेफड़े का काम कैसे करते हैं, धमनियाँ कैसे काम करती है और हृदय हमारा कैसे काम करता है, ये भी बताया गया है। इसमें रक्त की कमी के कारणों, रक्त की अगर कमी हो जाती है, कई लोगों में खून की कमी हो जाती है, तो किन कारणों से होती है, बीमारियों एवं उपायों की जानकारी दी गई है। उससे होने वाली क्या क्या बीमारी है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके उपाय भी जो है इस चैप्टर के अंदर बताए गए। अब स्टार्ट करते चैप्टर। दीदी दीदी मेरे लिए सेब काट दो ना, रजत ने मनुहार करते हुए सरला से एक बार फिर कहा। एक बच्चा है जो अपनी दीदी को कह रहा है कि मेरे लिए जो है सेब काट दो। कुछ देर रुक जाओ, पहले मैं भूगोल का कार्य कर लूँ, सरला बोली। जो उसकी दीदी है उसने क्या बोला, पहले मैं भूगोल का काम कर लूँ। भूगोल क्या होता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। तो बिना रुके रजत उठा और चाकू लेकर सेब काटने लगा। तो रजत जो है खुद ही क्या है, सेब काटने लगा। पहली ही बार में चाकू फिसल कर रजत के बाएँ हाथ के अंगूठे में जा लगा, और जो चाकू है उसके अंगूठे में रजत के लग गया। उससे खून की धारा फूट निकली। रजत जोर से चीखा। चीख सुनकर सरला अपने कमरे से भागकर आई तो देखा कि रजत के अंगूठे से लाल लाल खून टपक रहा था। सरला एकदम घबरा गई, क्या करे, किसे सुनाए। सौभाग्य से सभी दरवाजे की घंटी बजी। तभी दरवाजे की घंटी बजी, देखा तो माँ थी। माँ ने रजत के अंगूठे पर कसकर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने से खून का बहना बंद हो गया। तो देखा किस तरीके से रजत के जब अंगूठे में से क्या निकला, खून निकलने लग गया। तो फिर माँ ने क्या किया, पट्टी बांधी, तो वो क्या हो गया, खून बंद हो गया। सरला की समझ में यह बात नहीं आई कि खून कैसे बंद हो गया। उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि पट्टी बांधने से खून कैसे रुक गया। रजत भी यही जानने को उत्सुक था। उसकी माँ ने कहा, पहले तुम दूध पी लो और कुछ खा लो, फिर आराम से बैठकर बताती हूँ। रजत और सरला की माँ एक स्कूल में जीव विज्ञान की अध्यापिका है। जो उनकी माँ है वो क्या है, एक जीव विज्ञान किसको बोलते हैं, बायोलॉजी को बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उन्हें बड़े प्यार से रजत और सरला को अपने पास बैठाकर खून के विषय में बताना शुरू किया। माँ बोली, अच्छा पहले एक पहेली बूझो,